नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल साई डिजाइन इंटरनेशनल को स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। हर प्रकार के बिल्डिंग, छोटे रेसिडेंशियल, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ क्रैक आते हैं। ये क्रैक क्यों आते हैं, ऐसे क्रैक आने का कारण क्या है और इस क्रैक को कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जितना भी घर बनाया जाता है, मैक्सिमम घर में क्रैक दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कंस्ट्रक्शन काम ठीक तरीके से नहीं होता। अगर आप एक्सपीरियंस लोग के माध्यम से घर नहीं बना रहे हैं तो जितना भी अच्छे क्वालिटी का मटेरियल देंगे, फिर भी क्रैक आने के चांसेस रहता है। जब भी आप घर बना रहे हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर के माध्यम से ही बनाएं। बिल्डिंग के दीवार, छत, कलम, बीम पर बहुत प्रकार के क्रैक दिखाई देते हैं, लेकिन दीवार पर क्रैक आप ज़्यादा देखने को पाएंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण आज सिर्फ हम दीवार पर होने वाले क्रैक के बारे में जानेंगे। दीवार पर भी आपका काफ़ी किस्म के क्रैक होते हैं, आपने देखा होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब लंबाई में होते हैं, वर्टिकल डायगोनल क्रैक होते हैं। और एक बात भी हमें जानना चाहिए, कौन सा क्रैक क्षतिकारक होता है, कौन सा नहीं। अगर आपका दीवार पर क्रैक 3 mm से कम होगा तो वो क्रैक इतना हार्मफुल नहीं होगा। अगर 4 mm से ज़्यादा क्रैक हो तो वो बहुत डेंजरियस होता है। कुछ क्रैक कंस्ट्रक्शन काम होने के टाइम पर ही तुरंत दिखाई देते हैं और वो लाइफ टाइम उसी साइज का रहता है, और कुछ क्रैक समय के साथ बढ़ता रहता है। कुछ क्रैक कंस्ट्रक्शन काम के कुछ साल के बाद स्टार्ट होता है। आइए जानते हैं क्रैक आने का मुख्य कारण। पहला कारण है, प्लास्टर करते समय अगर सीमेंट और सैंड का भाग कम या फिर ज़्यादा हुआ तो क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कंस्ट्रक्शन होते टाइम पर इंजीनियर बोले गए सीमेंट सैंड का भाग से ही मोर्टार तैयार करना चाहिए। दूसरा कारण है, अगर सीमेंट बैग एक्सपायर हो गया हो तो तब भी क्रैक होने के चांसेस हैं। काम करते समय उस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ सीमेंट बैग एक्सपायरी ना होने के बावजूद भी अगर सीमेंट बैग को ठीक से ना रखा जाए तो उसी में ह्यूमिडिटी आने के कारण सीमेंट बैग जल्दी ख़राब हो जाता है। उसी सीमेंट बैग को इस्तेमाल करने से क्रैक आते हैं। सीमेंट बैग खरीदते समय अच्छे कंडीशन में होने वाले सीमेंट बैग ही देखकर खरीदें, और ख़रीदने के बाद नीचे डायरेक्ट ना रखकर थोड़ी सी हाइट पर रखना चाहिए। ड्राई प्लेस पर उसके ऊपर कपड़ा डालकर रखना चाहिए। लंप सीमेंट या फिर जमा हुआ सीमेंट का उपयोग ना करें। नेक्स्ट कारण है मोर्टार, यानी सीमेंट सैंड के मिक्सचर में अच्छे सैंड का व्यवहार ना करना। कुछ कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के कारण जहां कम दाम पर सैंड मिल रहा होता है उसी को ले आते हैं, जिसमें मिट्टी धूल का भाग ज़्यादा रहता है। और अगर सीमेंट सैंड मिक्सिंग साफ जगह पर नहीं करेंगे तो उस जगह पर होने वाले धूल, मिट्टी या और भी इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाएंगे। इसी बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सैंड में अगर मिट्टी भाग ज़्यादा हो तो उसी को केवल फिलिंग में ही इस्तेमाल करें। सैंड को चलाकर उसमें से इम्प्योरिटी अलग कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारा घर 2 से 5 साल होने के कारण क्रैक आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा कंस्ट्रक्शन काम हुआ होगा तो क्रैक कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में, जब भी सीमेंट सैंड मिक्सिंग करें अच्छे से मिलाना चाहिए, और पानी का भाग भी सटीक अनुपात पर देनी चाहिए। ज़्यादा पानी कभी नहीं देनी चाहिए। अगला कारण है हमारे क्लाइमेट, यानी मौसम के कारण भी क्रैक आने के चांसेस होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कौन से टाइम पर, कौन से सीजन में और कौन से तापमान पर घर बनाना सही होता है। वो है 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन हमारे राज्य में तापमान ज़्यादा समय 35 डिग्री से अधिक रहता है,
जिसके कारण जुड़ी प्लास्टर के बाद मोटर से पानी जल्दी सूख जाता है, जिसके कारण हेयर जैसा पतला क्रैक आ जाते हैं। इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी से क्यूरिंग करनी चाहिए, जिसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आभड़ करते हैं। अगला कारण है, जब भी क्यूरिंग कर रहे हैं अच्छे पानी से दीवार पर पानी दें। उसी पानी की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। हमेशा पीने का पानी घर बनाने में देनी चाहिए, वो मोटर मिक्सिंग हो या फिर कंक्रीट मिक्सिंग हो या फिर पानी देना हो। बहुत जगह पर पानी की सुविधा ना होने के कारण खराब पानी से काम करते हैं, जिसके कारण क्रैक होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, जोड़ी करते वक्त ईंटे के जॉइंट में अच्छे से सीमेंट मोटर ना देने के कारण भी क्रैक आ सकते हैं। जब भी जुड़ी करें, सीमेंट मोटर ब्रिक जॉइंट में अच्छे से देना चाहिए। अगला पॉइंट पे, जुड़ी करने के बाद पॉइंटिंग करना ना भूलें, जिसके दौरान जहां पर भी गैप होगा वहां सीमेंट मोटर भर जाता है और लूज मोटर भी बाहर निकल आता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही क्षतिकारक क्रैक है, जो कि आपका फाउंडेशन दबने के कारण दीवार पर क्रैक आते हैं और जहां कॉलम बीम स्ट्रॉन्ग से ना देने के कारण ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है, इसलिए क्रैक होता है। ये सब क्रैक बहुत ही डेंजरियस है, उसका रिपेयर करना भी बहुत ही मुश्किल होता है और ये सब आगे समय के साथ क्रैक बढ़ाते हैं। अगला क्रैक, कॉलम बीम और ब्रिक वॉल के बीच में क्रैक दिखाई देते हैं। इस क्रैक को आभड़ करने के लिए जब भी ब्रिक वॉल करें, चिपिंग सीमेंट स्लॉरी कंक्रीट सरफेस पर देकर करें या फिर चिकन में स्वेयर यानी मुर्गी जाली जॉइंट पे देकर ही प्लास्टर करना चाहिए। इससे क्रैक आभड़ किया जा सकता है। मेन पॉइंट में, क्रैक को आभड़ करने के लिए आप जब भी घर बनाना चाहें, एक्सपीरियंस इंजीनियर की हेल्प से उनके गाइडेंस लेकर घर का काम शुरू करें, जिसके दौरान आपका घर सुंदर होने के साथ स्ट्रॉन्ग भी होगा और आपका पैसा सेव होने के साथ आपका फैमिली भी सुरक्षित रहेगा। क्रैक रिपेयर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनसे पहले आपको जानना होगा क्रैक होने के कारण क्या है। जब भी क्रैक रिपेयर करें, ऑथराइज कंपनी या फिर एक्सपीरियंस लोगों की मदद से करें। आगे और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और इंटीरियर डेकोरेशन वीडियो आने वाला है, उसको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साई डिज़ाइन इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।